Hey guys, welcome back to my channel. Myself Anamika and you are watching my channel Life Uncut. So guys, मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, लव योर सेल्फ सलोन टाइम. एक्चुअली मैं एक हिल स्टेशन पर रहती हूँ, तो यहाँ यानी कोई भी पार्लर या फिर सलोन नहीं है. मुझे यानी कुछ भी पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ करानी होती है, मुझे 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. इसलिए फिर मैंने खुद ही सब चीज़ें करना स्टार्ट किया. यानी जो भी पार्लर या सलोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती मैं खुद ही घर पे करती हूँ. मैंने जो भी उससे रिलेटेड सामान की नीड होती वो भी सब चीज़ें मैंने घर पे ही रख ली है अब. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी सिखाऊं कि कैसे आप घर पे ही सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है, बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है. तो ये सीरीज़ का एपिसोड 1 है. तो इस एपिसोड में मैं आईब्रोज करना सिखा रही हूँ आपको कि कैसे आप घर पे आईब्रोज कर सकते हैं. तो इसमें मैं मैपिंग के थ्रू आपको सिखाने वाली हूँ. ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ मैपिंग के थ्रू. पहले मैं अपने अकॉर्डिंग ही करती थी, बट जब मैंने ये ट्राई किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका. तो ज़्यादा देर न करते ही वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है. ये रीका ब्राज़ीलियन बैग्स है, बट ये डिफरेंट आ गई थी, मैंने अमेज़न हॉल में आपको दिखाई थी. तो अगर आपके पास ऐसी आ जाए तो आप 5 दिन में रिटर्न फाइल कर दें. इस पर नो स्ट्रिप बैग्स लिखा है, बट ये नो स्ट्रिप नहीं है. फिर मैंने ये कि हेयर कॉम करने के लिए ब्रश लिया है, और ये ड्रॉ करने के लिए एक ब्रश है, और ये एक ईयरबड और प्लकर और जेल लाइनर और थ्रेड और ये एलोवेरा जेल जो मैंने घर में ही उगाया हुआ है, और ये कोकोनट ऑयल है. फिर मैं फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं अच्छे से पोंछ लिया है इसको. फिर मैं अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर रही हूँ ताकि वैक्स करते टाइम मुंह पे हेयर्स ना आए. और मैंने थ्रेड को जो जेल आईलाइनर था उसमें कलर कर लिया है. और फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो अपना नोज़ और क्यूपिड बोज है उस पर उसका सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं आईब्रोज़ के बीच में मार्क कर रही हूँ. आप ये ध्यान रखिए जो क्यूपिड्स बो है वहीं से ही अपने को मार्किंग स्टार्ट करनी है, और आईब्रो का बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेके मार्क करना है. तो मार्किंग करते टाइम बिल्कुल आराम से आप मार्किंग करें तो बिल्कुल अच्छे से मार्किंग होगी, यानी जल्दी जल्दी से नहीं करें. तो मैं ये मार्किंग को बिल्कुल डार्क कर रही हूँ ताकि अच्छे से दिखे. और क्यूपिड बो से ही जो अपना होंठ के बीच वाला पार्ट होता है उसको क्यूपिड बो बोलते हैं, इसी से ही लेना है अपने को सब चीज़ें. और ये आईज़ का जो एंड है वहाँ से अपने को आईब्रो का एंड ड्रॉ करना है, और सेम क्यूपिड बो पे ही रख के थ्रेड को ड्रॉ करना है. और सेम दूसरी साइड में कर रही हूँ, यानी क्यूपिड बो पे थ्रेड रख रही हूँ, देन जो आईज़ का अपना एंड है फिर आईब्रो के ऊपर मैं एक मार्क लगा रही हूँ. ये आईब्रो का एंड हो जाएगा. फिर मैं आईब्रो का आर्च ड्रॉ कर रही हूँ. आईज़ का अपने को हाफ करना है, हाफ पार्ट से ऊपर आर्च ड्रॉ होगा. सेम क्यूपिड बो के ऊपर से ही आपको थ्रेड लेना है, आपको इधर उधर थ्रेड नहीं मूव करना है. ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें. और आईज़ का हाफ ले यानी आर्च ड्रॉ करते टाइम, और लिप्स का हाफ लेके फिर हाफ का भी हाफ करें, तब फिर भी जो आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ होगा. यानी स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ करने के लिए यानी लिप्स का हाफ फिर उसका हाफ करना है अपने को. तो स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ करना है अपने को ऐसे, और मार्किंग बिल्कुल डार्क करें ताकि अच्छे से दिखें अपने को. अब मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ. उसके लिए मैंने क्या किया है, जो अपनी आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो, यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है अपने को. फिर ऊपर मैंने जो अपना आर्च पॉइंट है वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ लेना है, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये एक बॉक्स सा बन गया है. अब मैं इस बॉक्स में एक एक्स ड्रॉ कर रही हूँ, यानी एक्स ड्रॉ करना है एक. तो ये एक्स से यानी अपनी जो आईब्रो की शेप है, फिर इसी के थ्रू अपने को ड्रॉ करना है. फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो एक्स का जो एंड है उस पर थ्रेड रख के और आर्च का जो अपने ने पॉइंट लगाया था उसको मैं मैच कर रही हूँ उससे. और फिर जो आईब्रो का आर्च पॉइंट है
और जो आईब्रो का एंड पॉइंट है उसको मैं मैच कर रही हूँ, यानी जो सारे पॉइंट्स बनाए थे अपने उनको मैच करने। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, यानी एक्स का जो एंड पॉइंट है वहाँ थ्रेड रखना है और जो आर्च का जो अपने ने मार्क किया था वहाँ पे अपने को मैच करना है। और सेम नीचे की साइड जो आईब्रो का एंड पॉइंट है और आर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है उन दोनों को मैच कर देना है। और नीचे सेम ऐसे ही एक्स जहाँ लाइन ओवर हो रही है वहाँ से स्टार्ट करके आर्च के नीचे वाले पार्ट पे अपने को ड्रॉ करना है, यानी आर्च जहाँ ऊपर आर्च है वहाँ सेम उसके नीचे अपने को मार्किंग करनी है, तो नीचे अपने को आर्च शेप मिल जाएगी एक अच्छी सी। और सेम अपने को डार्क करना है तो अपने को अच्छे से दिखेगा वो। और सेम जो आर्च अपने ड्रॉ किया है और नीचे अपने को एज जहाँ अपने एज एंड पे जो एक मार्क किया था उसको मैच कर लेना है अपने को। और सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, जो यानी एंड को और जो आर्च के जो नीचे वाला पॉइंट ड्रॉ किया है उन दोनों को मैच कर देना है। इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर ली है। फिर मैं इनको डार्क कर रही हूँ ब्रश लेके, जहाँ यानी मुझे वैक्स नहीं लगानी है वहाँ वहाँ मैं मार्किंग की है मैंने। इसके बाहर बाहर वैक्स लगेगी, इसके इनसाइड कोशिश नहीं करना आप लगाने की, क्योंकि अपनी आईब्रो बिगड़ सकती है। अगर आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप बिना मार्किंग भी कर सकते हैं। मैं भी अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैंने मार्किंग करी है, धीरे धीरे शायद हो जाए होप सो, बट ये मार्किंग करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरीके से मैंने ये डार्क कर ली है जो मार्किंग थी, और जो एक्स्ट्रा जो लाइंस इधर उधर बनी हुई हैं मैं इनको ईयरबड में ऑयल लगा के और अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि एक परफेक्ट मुझे एक फ्रेम सा दिखे जहां मुझे आईब्रो बनानी है एक। तो मेरे पास ये पहले की रीका ब्राज़ीलियन वैक्स रखी है, ये इस तरह की होती है और इस तरीके से गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। और मैं जो एक्स्ट्रा हेयर मेरे ऊपर उठ रहे हैं उनको मैं एक सीज़र की हेल्प से कट कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा ऊपर आ रहे हैं। ये वैक्स मैं फिंगर की हेल्प से ही लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, जलने का डर रहता है, अपने फिंगर पे भी इतना फील नहीं होता है गर्म। ये थोड़ी सेंसिटिव स्किन के लिए बनी है इसलिए बहुत अच्छी वैक्स है। तो इस तरीके से मैं जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसके आउटसाइड ही मैं लगा रही हूँ, इनसाइड में कोशिश भी नहीं कर रही हूँ लगाने की। तो आप ऐसे ही लगाएं, यानी अंदर की तरफ ना कोशिश करें, जो भी अंदर रह जाए वो प्लकर की हेल्प से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने वैक्स कर है दोनों आईब्रोज की, और मैं जो भी एक्स्ट्रा हेयर बच गए हैं उनको मैं प्लकर की हेल्प से निकाल रही हूँ। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरीके से वैक्स हुई है। अब मैं अपर लिप्स पे आ गई हूँ। अपर लिप्स करते टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखें कि खींच के रखें स्किन को, नहीं टंग लगाएं अपने होठों के नीचे ताकि स्किन खींचे, क्योंकि यहाँ बहुत सेंसिटिव होता है, आपके रैशेज हो सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखें। और फिर मैं ये वैक्स होने के बाद थोड़ी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि अपने पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और थोड़ी स्किन भी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए मसाज की बहुत ज़रूरत रहती है। तो एक फ्रूट क्रीम है मेरे पास, उससे मैं मसाज कर रही हूँ, या कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरीके से मैं ये मसाज कर रही हूँ। मसाज बहुत हेल्प करती है अपनी आईज़ रिलैक्स करने के लिए, आईब्रोज जहाँ अपने ने वैक्स करी है उस जगह रिलैक्स करने के लिए। तो अब मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है तो रैशेज होने के चांसेस होते हैं, तो एलोवेरा जेल लगाने से ये सब नहीं होगा, आप ट्राई करके देखिए। तो मेरी आईब्रो डन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।